ओम नमः शिवाय। प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, आइए, बहुत दिनों बाद आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है क्योंकि स्वास्थ्य धीरे धीरे उत्तम हो गया है। आज हम चर्चा करते हैं राहु के गोचर के ऊपर। बहुधा पूरे ज्योतिष जगत में हर कार्यों के यदि नहीं बन रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं साढ़े साथी अथवा ढैया जोड़ करके हम लोग शनिदेव पर छोड़ देते हैं और सारा दोष शनिदेव के ऊपर मढ़ दिया जाता है। परंतु ये राहु नामक जो ये छाया ग्रह हैं, इनके गोचर पे हम लोग जो है तवज्जो नहीं देते हैं और ये ज्योतिष में भूल हो जाती है बहुत बड़ी। ध्यान देना चाहिए हमेशा गोचर विचार करते समय। कई बार राहु बहुत ही बुरा फल करते हैं और कई बार बहुत अच्छा फल कर देते हैं। तो राहु के अच्छे फल तो 3, 6 का 11 से प्राप्त होते हैं। गोचर में 10वां राहु भी उत्तम फल करता हुआ कहा गया है। शेष जो अन्य भाव बचते हैं वहाँ पर कई जगहों पे राहु मध्यम फल करेगा। योगायोग जिस प्रकार से निर्मित होंगे उस प्रकार से वो गोचर में प्रभाव दिखाएगा। लेकिन कुछ भाव ऐसे होंगे जहाँ राहु बहुत ही बुरा फल करेगा। तो एक सूत्र इसमें आता है कि राहु 1, 5, 9 त्रिकोण से संबंध स्थापित करे तो ये अच्छा नहीं है। इस समय राहु बहुत ही बुरा फल करता है। लेकिन राहु का सबसे बुरा प्रभाव उत्पन्न जो होता है वो राहु के अष्टम गोचर के समय होता है। अब ये गोचर कहाँ से देखें? मैंने तो लग्न से गोचर अपने राशि फलों में भी अधिकतर बताया है और अब तक के ज्योतिषीय सफर में और पूर्व काल के जो बुरी घटनाएं घटित हुई हैं उनका अवलोकन जब हमने किया तो यह पाया कि शनि देव से बुरा प्रभाव राहु के गोचर से उत्पन्न हुआ जब राहु लग्न से अष्टम चला तो, और जब राशि से अष्टम चला तो भी बुरा प्रभाव ही उत्पन्न हुआ, परंतु कम हुआ जब वो लग्न से अष्टम था। ऐसे ही हर प्रकार से है। तो हमारा कहना है कि दोनों से देखते हैं और एवरेज फल निकालते हैं। लग्न को वरीयता देंगे गोचर देखते समय भी। अब आप देख रहे होंगे धनु लग्न वाले विशेष करके शनिदेव तो तीसरे चले गए जनवरी में ही लग्न से तीसरे, तो काफ़ी उत्तम परिणाम होना चाहिए धनु राशि वालों के लिए। लेकिन देख रहे होंगे कि अभी भी आपको अपनी समस्याओं से निजात पाने में काफ़ी मुसीबतें ही झेलने को मिल रही हैं। अभी भी कोई विशेष राहत नहीं मिली, राहत तो ही पर विशेष राहत नहीं हुई। वो इसलिए कि लगभग साल वर्षों से राहु पंचम गोचर कर रहे हैं और राहु का पंचम गोचर करना और साथ में ही गुरु का हंस महापुरुष योग बना करके वो कहाँ पर थे, केंद्र भाव में थे, गुरु बलवान थे लेकिन कभी कभी शनि से दृष्ट हो रहे थे और अब तो चंडाल योग बना करके गुरु के साथ ही हैं। तो निश्चित तौर पे चंडाल योग तो बनता ही है, बना ही हुआ है और शनि की दृष्टि भी है। तो देखेंगे तो पंचम भाव बुरी तरह से चरमरा सा गया। अब राहु कर क्या लेते हैं पर यदि इनकी पांचवी और नवी दृष्टियों का जब विचार करेंगे तो ये पंचम में हो करके नवम को पकड़ लेंगे और लग्न को भी पकड़ लेंगे, अर्थात बुरा प्रभाव पंचम को भी, नवम को भी और साथ में लग्न को भी। तो बुद्धि भी गई, मति में भ्रम डा, राहु छाया ग्रह है, जहाँ होते हैं वहाँ ये अंधकार ही उत्पन्न कर देते हैं। तो पंचम बुद्धि का स्थान है, मति का स्थान है, विचार का स्थान है, निर्णय का स्थान है। इसलिए राहु जब पंचम में जाएंगे तो धन की हानि बताई गई एक लाइन में सूत्र में गोचर से। तो धन की हानि होती कब है? उसके जड़ में तभी होती है जब हमारे निर्णय गलत होंगे, हमारी योजनाओं में जब हम गलत निर्णय लेंगे अथवा धन कमाने के जो साधन है वहाँ पर हम जब गलत निर्णय लेंगे, अच्छे विचार नहीं ले पाएंगे तो फिर धन की हानि तो निश्चित तौर पे होनी है। साथ ही पंचम भाव जो संतान आदि का देखा जाता है तो वहाँ से भी कोई न कोई परेशानियाँ उत्पन्न अवश्य होंगी। शेयर मार्केट वगैरह में भी यदि आप कार्य करते हैं तो ये जो गोचर है राहु का ये बहुत ही बुरा है, निगेटिव प्रभाव ही उत्पन्न करने वाला रहेगा क्योंकि शेयर मार्केट और ख़ास करके जो ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हों तो उनके लिए तो विशेष सावधानी वाला ये समय अवश्य ही रहना चाहिए। गुरुदेव जब से आए हैं तो पंचम
अर्थात विचार का, धर्म का और आपके व्यक्तित्व और पर्सनालिटी का, बल्कि अच्छा प्रभाव उत्पन्न हुआ है जब वो अपने राशि में थे और केंद्र में थे, हंस महापुरुष का योग बना करके थे। उसकी अपेक्षा गुरुदेव जब यहाँ लग्न से पंचम गोचर किए हैं तो चंडाल योग बनते हुए भी सुधार हुआ है। वो किनका सुधार हुआ होगा? जिन्होंने अपने गुरु को बलवान किया हुआ है, और या तो वायु अर्थ गुरु काफ़ी बली है, तो जिसके चलते वो राहु का प्रभाव नियंत्रित हो गया और उनको जाकर के अब विशेष राहत मिलनी शुरू हुई। लेकिन और अच्छा परिणाम उत्पन्न होगा जब सितम राहु जब यहाँ से हट जाएंगे और चौथे स्थान में चले जाएंगे। शनि की दृष्टि पंचम में पड़ेगी, गुरु फिर भी पीड़ित तो रहेंगे, लेकिन राहु से जो पीड़ा है वो शनि की पीड़ा से ज़्यादा घातक थी। तो ये एक सब प्रभाव हो गया राहु का। तो एक पाँचवें नौवें, तो फिर वही बात, नौ में जाएंगे तो भी पाँचवीं दृष्टि से लग्न पीड़ित होगा और नवें दृष्टि से पंचम भाव पीड़ित हो जाएगा। तो ले दे करके धर्म भाव, भाग्य भाव, पिता वाला जो भाव है नवम, वो सब डिस्टर्ब होता ही होता है। इसीलिए राहु जब इन 1-5-9 से गोचर कर रहा हो, और यदि फायरी साइन हो 1-5-9, ये यदि लग्न ही हो 1-5-9 में से कोई भी, तो निश्चित तौर पे ये फायरी साइन ही, यानी अग्नि तत्व की राशियां ही 1-5-9 में पड़ेंगी। और उस समय अर्थात मेष, सिंह और धनु लग्न, इन तीनों में से कोई लग्न हो तो इन्हीं की राशियां 1-5-9 में पड़ेंगी, और राहु का 1-5-9 का गोचर अमोघ, दुख देने वाला होगा, हानि करने वाला होगा। इससे भी बुरा प्रभाव कब उत्पन्न होता है? जब राहु अष्टम गोचर कर रहा होता है, तो गोचर फल में तो मंत्रेश्वर जी ने एक लाइन लिख दिया है कि मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। विस्तार से आप जाएंगे तो इसके प्रभाव को तो हमने झेला था, और हम बस शनि को ही देख, शुरुआत में उस समय तो हमारा शुरुआत था, अन्य ज्योतिषियों से मैं दिखाया करता था, तो लोग कहते थे कि नहीं, शनि चूँकि द्वादश भाव में थे और राशि से एकादश से तो अच्छा कार्य हुआ, भौतिक उन्नति वगैरह के कार्य हुए, परंतु पैर वगैरह टूट जाना, ऑपरेशन वगैरह हो जाना शनि से ही था। लेकिन हमने देखा कि बाद में अब जब काफ़ी अवलोकन किया तो देखा कि राहु गोचर वसात उस समय सिंह में था, उसके बाद जब कर्क में आया, कर्क में था बाद में सिंह में आया। पीछे चलते हैं, ये महाशय कुछ हो रहा होगा व्यतिक्रम कर्म से, ये पीछे ही चलते हैं। तो सिंह में थे फिर कर्क में आएंगे, दोनों दशाओं में डेढ़ डेढ़ 3 साल ये राहु था और इसने विशेष कष्ट दिया। तो जिनके अभी भी हमने देखा कि कन्या राशि या लग्न वालों के लिए ये अष्टम गोचर कर रहा है, तो वहाँ पर ये काफ़ी दुख देने वाला साबित हो रहा है। धन के संबंध में विशेष हानि होगी, भ्रम आएगा, पिशाच संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, बुद्धि में विशेष भ्रम की स्थिति हो सकती है, और पत्नी का मारक स्थान है, ससुराल का है, तो वहाँ से भी विशेष संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, और मृत्यु तुल्य कष्ट तो मिलेगा, बाधा विपत्तियाँ कहीं न कहीं से आती ही रहेंगी। तो इस राहु का उपाय विशेष तरह से करना चाहिए। तो पहला तो सकारात्मक उपाय है कि अपने लग्नेश, भाग्येश और पंचमेश को मजबूत रखना चाहिए। यदि वो मजबूत रखने योग्य है रत्न से, तो वो तो कुंडली का पूरा विश्लेषण करने के बाद ही 1-5-9 के रत्न आप धारण कर सकते हैं, या अथवा उनके मित्र जो ग्रह हों उनके। अन्यथा राहु के उपाय करेंगे तो राहु का उपाय दान करना सबसे उत्तम उपाय है, और राहु से संबंधित जो जीवित वस्तुएं हैं, जैसे कुष्ठ रोगी हैं, बूढ़ी स्त्रियां हैं, इनको दान किया जाए तो राहु अच्छा फल उत्पन्न करने लायक होता है। बेजान चीज़ों में बिल्लियां आती हैं इसके अंतर्गत, तो बिल्लियों को दूध पिलाना आदि भी, ये भी लाभदायक हो सकता है। बिल्ली की सेवा करना, ये भी लाभदायक हो सकता है। बिल्ली रोए घर में तो राहु अशुभ माना जाता है, तो समझ जाइए कि राहु का गोचर अशुभ हो गया। यदि आप कुंडली जानकार नहीं हैं तो भी यदि घर में बराबर बिल्लियां आके रोने लगे तो राहु अशुभ हो गया। जो किंवदंती में पहले से ही चलता आया है कि राहु बिल्ली रो रही है, तो कोई न कोई अशुभ समाचार प्राप्त होगा, कहीं सूतक का, मृत्यु का, इस तरह का। तो बिल्लियों का रोना अशुभ माना जाता है। दूसरा
छिपकली अचानक गिर जाए वो केतु के लिए है, और घर में बिल्लियां रोने लगे तो राहु, सांप का मुंह ये राहु का प्रतिनिधित्व करता है, तो उन दशाओं में जब राहु बोरा हो तो सांप का दर्शन वगैरह हो सकता है, ये अक्सर होता है, हमने तो कई बार अनुभव किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये राहु के संबंध में आपको विशेष ध्यान रखना है। राहु का मंत्र जप है ओम रांग राहवे नमः, ओम भ्राम ब्रिंग भ्रांग सह राहुए नमः। दूसरा दुर्गा जी की आराधना और शिव जी के ऊपर जल से अभिषेक करना, बिलपत्र आदि चढ़ाना, ये भी सकारात्मक उपाय है। गणेश जी की आराधना करना सकारात्मक उपाय हैं। जिसका इष्ट बलवान होता है, मजबूत होता है, उसका अनिष्ट नहीं होता, वो हर प्रकार के ग्रह जनित रोगों से बाधाओं से उसकी रक्षा होती रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।